देखें, फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझी पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह बेनज़ीर शहीद का भी बताया गया था इसी तरह, और जिन लोगों ने बेनज़ीर शहीद का बताया था कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। मेरा तो काम था जी एज ए मिनिस्टर इंटीरियर उनको बता दिया कि 20 अफराद की लिस्ट में उनका नाम टॉप पे है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कोई हिदायत नहीं दी कि पीडीएम के जुलूस के लिए इस्तकबालिया कैंप बनाने हैं, क्या करना है, और मुझे ऐसा पॉलिटिकली महसूस होता है कि वो इस्तीफे की तरफ अभी नहीं जाएंगे। और ये मैं बात पहले आपको कह चुका हूँ, आज मेरा बुध को मैंने चार लिए, आज जुमेरात हो गई है, 8 दिन हो गए हैं। मेरा ये सियासी तजिया है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और अगर अगर उन्होंने ना लेना होता तो ये ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जो दरख्वास्त दे के इलेक्शन कमीशन से करवाए हैं, और जिस पे के बड़ी जिद्दोजहद होती है, ये ज़िमनी इलेक्शन में इसीलिए हिस्सा ले रहे हैं। इससे मैंने नतीजा अखज़ किया है कि वो सेनेट का इलेक्शन जो कि मार्च में होगा उसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। एमक्यूएम हमारी इतादी है, नाराज़ नहीं होगी। मैं कराची जाऊंगा तो गवर्नर को भी मिलूंगा और रेंजर्स को भी और एफसी हेडक्वार्टर भी और कोस्ट गार्ड भी और एमक्यूएम के हाई 90 भी जाऊंगा। देखें, मेरा ख्याल है कि जो कुछ एज ए पोलिटिकल वर्कर अगर आगे लगाया हुआ है मुस्लिम लीग नून को, तो मौलाना फजलुर रहमान ने लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर ताश लगा रही है, बेहतर खेलेगी, और मुझे पूरा यकीन है, यकीन की हद तक कह सकता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये इस्तीफे नहीं देंगे। मरियम से जलसे कर ये देखें, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको मेरा मतलब है मीडिया मिल रहा है, लोग मीडिया मीडिया खेल रहे हैं, लेकिन मैं असल जो प्लानर है, जिसका एजेंडा है, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, जो इस मुल्क में खलफशार फैलाना चाहता है, जो मदरसों को इस्तेमाल करना चाहता है, जो मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहता है, वो फजलुर रहमान है। और फजलुर रहमान साहब से मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि इस मुल्क की सियासत पे भी रहम करें, जमहूरियत पर भी रहम करें, और अपने ऊपर भी रहम करें। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।